मारे मारे चने हार ब्रेक ले सकता हार पबार डोला मर चण हार पबार डोला मर मुसारे चण हार पबार और फिर हम उतरते हैं मैंने अपने तौर पे कॉमेडी करने की कोशिश की थी। ते खिलना का है। अच्छा 2 मिनट मेरी भेण चुप कर भाई तेरी तरफ व्यासा। खवातीन हजरात आज जिक्र होगा शिकार का भी आपको एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शेर भी सुनाना है लेकिन इस वक्त चलते हैं हमारे सेगमेंट डमी म्यूजियम की जानिब जहां हमें ज्वाइन किया है जनाब आफताब इकबाल प्लस वन ने। और आप सुनाएं सर। और तेरी शक्ल पे लानत मैं अभी इधर आ रहा था। इधर लॉक देखा मैंने आपका जब आपने माइक पकड़ा हुआ था मैं लास्ट में समझा था आप ये कहेंगे लबल्टी चौक आफताब इकबाल लाहौर क्योंकि वो पुराना सहाफी नजर आ रहा था आपके अंदर। मैं कर रिपोर्टिंग ही रहा था आप ठीक कह रहे लेकिन चूंकि मैंने कोई 73 दफा जिक्र कर दिया था जी जी कि हम लिबर्टी चौक में मौजूद हैं उस वक्त तो इसलिए गैर जरूरी था कि मैं साइन ऑफ करता और मैंने एज सच अभी साइन ऑफ किया भी नहीं था। उसके बाद भी मैंने 3-4 और छोटे छोटे व्लॉग्स बनाए थे जो वहां फिर रहे थे यंग यूट्यूबर्स। जी जी सर कुछ लोगों को आपने इनकार भी किया था ये लीनियर चैनल्स के थे जो हमारे कंपेटिटर है ना समा टीवी के जो कंपेटिटर जी उनसे मैंने माजरत की थी। यूट्यूब की तो खैर है लेकिन लीनियर पे सिर्फ समा। अच्छा जी बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं आप बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही कंटिन्यू नहीं नहीं जी सर आपकी खामोशी इस कदर दिल रुबा है खुदा की कसम मैं सर वो लोगों को क्लियर करें जो लोग ये भी कह रहे हैं कि जी तेरा फिटे हूं। एक सेकंड पहले एक जिम्नी भाई एक क्वेश्चन तो आ लेने दो एक जिम्नी सवाल वो बाद में कर लीजिएगा जी। क्योंकि पहले बोलना पुन्नू ने शुरू किया था। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी आफताब इकबाल साहब अकेले नहीं गए काफी उनके साथ लोग थे काफी फोर्स गई उनके साथ। मेरे साथ कोई भी नहीं था उस वक्त हर जगह पे नेट ऑफ हो गया था और हमारे जज्बे इतने थे हमारा भी दिल चाह रहा था आप वहां हम क्यों नहीं है उस दिन बात ही अजीब थी वो फीलिंग ही अजीब इमरान पे इल्जाम लगा होता ना करप्शन का तो मैं कभी ना जाता चाहे इल्जाम ही होता इमरान पे और इल्जाम आते हैं वो इल्जाम तो सुकरात पे भी लगे थे वो छेती कार उन्होंने सुकरात कहते हैं उन्होंने प्याला भी पिया नहीं को बोल अच्छा जी उस ना बहस कर तू कादी डमी है नहीं मैं बीमारी से उठा हूं मुझे टच करने की कोशिश ना करना भाई ये तो चपेड़ मार सकना नहीं खबरदार सर वैसे कैसी गल तू चपेड़ भी नहीं मारन देती तुमने पूछी चपेड़ थी मुक्का पूछते कनाडा के आपका जो टूर था मैंने वहां देखा अंताक्षरी के सेगमेंट में आपने किसी को सांस लेने नहीं दी ये इतने सारे गाने कैसे याद कर लेते ले जिन्हें इतना इलम याद है जिन्हें तानपुरे याद ने बाजा याद है जिन्हें रागा के नाम याद ने इन्हें स्टालन याद है इन्हें इन्हें भाई मैं सुन रहा हूँ इन्हें भाजी मतलब के इन्हें जिन्हें इतना कुछ याद ओए सीने जा गल सुमन शेख साहब भी आए हम कोई गुलाम तो नहीं ये क्या इनका गाना है लेकिन ये तुमने हरकत क्या की जलसे लोग करते ने लोगों ने यही समझना मैंने ऐसे गाया लेकिन बहुत अच्छा तराना है हम कोई गुलाम तो नहीं बड़ा मीनिंगफुल एंड यू सैंग सो वेल थैंक यू और तुम्हें पता वो गाना मैं इन्हें ज़हन च रख के सुनिया आपने आज घर जाना है वापस सर साहबा हिफाजत कर रहा हूँ कि मतलब एंड पे सीट्स होती है ना एडजस्ट होने वाली कोई बैठ ना जाए जैसे ही लोग बैठते मैं उठ जाऊंगा उसके बाद कभी उठा ही नहीं आप क्यों इतनी मियाना रवि पे ठुड्डा मार के पीछे करें उसको अच्छा मियाना रवि नहीं वजादारी कहते हैं अब मजादारी में पड़ गई वजादारी दफा इधर से भाग इधर से लगता है जिस मास्टर को पढ़ता रहा ना वो 5 मिनट बाद बेहोश हो जाता सी
अलफ पढ़ा के ते अगों दी जीम ते अख खुली अलफ ते हैगा ही नहीं सी अलफ है नहीं सी उन्हें उते गूठा रखिया सी सवाल कर यार साहब ने जाना भी हैगा सवाल तुमसे करता हूं नहीं मैं इन्हां ना पहले कर ला मैंने चपेड़ा ना पवा दई आखिरी बार चपेड़ कब पड़ी थी यानी मार कब पड़ी थी ए होने थोड़ी देर पहले अच्छा बताओ कई साल हो गए ओ ऐसी चपेड़ सी मैनू लगा मैनू अबल हॉल ने चपेड़ मारी अच्छा जी आज का शेर किने कहा मैं कह रहा हूं क्या याद करेंगे सुनाई दे ये मुझे नींद क्यों नहीं आती एक ही शख्स था जहान में क्या जहान क्या होता है मुझे जहान यहाँ जहान ही लिखा हुआ है शेर चंगा ही कहना ही सर सुना नंत मजा आंदे सुन चलो सुन गिंदिया साई कनो भी सुन गिंदिया कोई हमें नहीं यही शेर ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता ओहो एक ही शख्स था जहान में क्या अच्छा कनाडा में जनाब ने शिकार किया बिल्कुल नहीं ओ जाहले मुतलक कोई सीजन होता है भाई जाहले मुतलक कहने तो बाद एक जंप आया है बेचे ओ जाहले मुतलक सीजन होता है वहां ज्यादा चौपायों का शिकार है हमने शिकार खाया बहुत है वहां पे लेकिन किया इसलिए नहीं कि शिकार कोई ये नहीं कि रैंडमली जाएं गन उठाएं और शिकार कर लें आपका परमिट बनता है पहले आप इलीगल करना चाहे तो कर लें वो मैंने ना पहले किया है ना अब करूंगा वैनकूवर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਵਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਮੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਟੈਡੇ ਵੱਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਨੂੰ ਯਾਉ ਬੱਕਰਾ ਸੀ ਯਾਉ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਕੀ ਸੀ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਾਦਾ ਸੀ ਅਬ ਬੂਝ ਲੋ ਨਾ ਤਾਂ $10 ਮਦਫੂਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਨ ਹਰਫੀ ਤੀਨ ਹਰੂਫ ਆਤੇ ਹਨ ਉਸ ਮੇ ਐਲਕ ਜੈਕ ਮੈਨੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ $10 एक नाम बताओ क्या है एलक $10 दे देना यार इसको ओ दो के मिसप्रोनाउंस किया इसने एलक कह रहा है एल्क लड्डू चुप कर वो भी इधर से इशारा आया $5 फिर इधर से आ गया है यार तू तो चुप रहो यार इसी तो मैं चुप रही है $10 जुर्माना इसको और $100 आपको ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਟ ਥਾ ਐਲਕ ਆਇਆ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬਛੜਾ ਹੁੰਦਾ ਓਹੋ ਹੋ ਨਹਾਇਤ ਟੈਂਡਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਕਦਾ ਹਾਰੇ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਸੱਚ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਹੰਟਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਅਲਬਰਟਾ ਕੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਹੰਟਰਸ ਟਾਪ 3 ਮੇ ਉਨਕੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਵੋ ਔਰ ਇੱਕ ਮੋਸਨ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਆਖਿਰ ਮੇ आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं हालांकि ये मुझे पहले देनी चाहिए थी नए ओएमसी की आप ये बताइए कि पूरी टीम को बशमूल मैं जब चाहे प्लान करें मुझे सिर्फ इन्फॉर्म करो पिज़्ज़ा फ्री हर चीज फ्री है पिज़्ज़ा की बात कर रहे हो